తెలంగాణ రాష్ట్రం ఫిల్ అసెంబ్లీ సంఘం తరఫున మేము జాతీయ అధ్యక్షులైన మన ఎంపీ గారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి మేము ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్న 7651 మంది ఫిల్ అసెంబ్లీలను ఉద్యోగంలోకి తిరిగి తీసుకోవాలనే వారు సీఎం గారికి లెటర్ రాయడం సభ చాలా శుభ పరిణామమైన విషయం. వారికి మరియు మన జిల్లా అధ్యక్షులైన ఎంఐఎం అధ్యక్షులైన నదీం గారికి వారి మిత్రబృందానికి మా ఫిల్లస్టర్ అందరి తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎప్పటికీ మేము వారికి రుణపడి ఉంటామని చెప్తున్నాం. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. గుజస్తా దో దిన్ ఖబల్ ఏ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ అసోసియేషన్ యూనియన్ కి జానిబ్ సే ఏక్ యాద్దాస్ దీ గయి థీ जो हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि इनके जो मसाइल पर मबनी याददाश्त थी, तो मैंने फौरन इस याददाश्त को हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक उनको पहुंचा दिया. उसके बाद उन्होंने हमदर्दा गौर करते हुए चीफ मिनिस्टर साहब के इनका जो मुतालिबा था कि चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की जाए, तो हमारे सदर मोहतरम ने एक तहरीरी एक लेटर देते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की कि ये जो पूरे स्टेट के अंदर जो फील्ड असिस्टेंट के 7561 जो एम्प्लॉइज़ है, इनको जो 4779 जो जियो के तहत इनको जो टारगेट दिया गया था उसको ये टारगेट पूरा करने से खासिर हैं. उसके बाद ये लोग जो स्ट्राइक पे गए थे, तो स्ट्राइक पे जाने के बाद इनको फिर वापस इनकी खिदमत पे रुजू नहीं किया जा रहा था. इसके लिए हमारे सदर मोहतरम ने चीफ मिनिस्टर साहब से एक अपने लेटर के ज़रिए या नुमाइंदगी की, जिस पर आज यहाँ पर यूनियन के और तमाम यहाँ के जगतियाल ज़िले के पूरे मंडल्स के यहाँ पर एम्प्लॉइज़ आए हुए हैं और उन्होंने इजहार तशक्कुर किया. और हम यहाँ पर से जगतियाल मजलिस शाख की जानिब से और इन तमाम की जानिब से हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी जो दिल्ली जो इन ये लोग जो कई माह से जो इनकी जो जो मसाइल थे, इस पर हमारे सदर मोहतरम ने फौरन इसके ऊपर हमदर्दाना गौर करते हुए इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की. इसके लिए इन लोगों ने आज यहाँ पर मेरी रिहाइशगाह पर आकर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं. और हम भी शुरू से बता रहे हैं कि हमारे जो कायदीन है, मरकजी कायदीन हमेशा से अवामी खिदमत के लिए हमेशा दस्तियाब रहने वाले हैं, चाहे वो ऐवान असम्बली हो चाहे ऐवान पार्लियामेंट में हो. हम बराबर हम मसाइल पर जिद्दोजहद करते रहेंगे. इंशाअल्लाह हमारे कायदीन भी पूरी जस्तजू के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुरुटला के सदर साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं कि पूरे हम कुरुटला के अंदर रफ़ी भाई भी तशरीफ लाए हुए हैं, कारपोरेटर है कुरुटले के. हम यहाँ के भी जो काउंसलर्स हैं, हमारे भी जो कायदीन है, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अफजल साहब, हम सब पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां के मसाइल को बखूसने खूबी अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हम लोग अंजाम देते रहेंगे और हम बराबर हर मसले पे हम जिद्दोजहद करते रहेंगे. अस्सलाम वालेकुम.